हाय गाइस, यदि आप एक सोशल मीडिया लवर हैं तो आपने सोशल मीडिया पे एक वायरल हुए हैशटैग के बारे में तो जरूर देखा होगा, हैशटैग 10 ईयर चैलेंज। तो क्या होती है ये हैशटैग 10 ईयर चैलेंज, हम इस वीडियो में बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप हैशटैग 10 ईयर चैलेंज में आप यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या क्या इसमें नुकसान हो सकता है और क्या क्या इसमें लाभ हो सकता है, तो हम इस वीडियो में बेसिकली इसी सब टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक आपने उस बेल आइकन को नहीं दबाया जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में दिखेगा, जब आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम पीयूष कुमार सिंह एंड यू आर आल्सो वाचिंग टेक्निकल। तो पहले जान लेते हैं कि हैशटैग 10 ईयर चैलेंज क्या है। हैशटैग 10 ईयर चैलेंज यानी कि यदि हम इसे डिफाइन करते हैं तो 10 वर्ष पहले का चैलेंज, मतलब कि जब आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करिएगा तो आपको कुछ रूल का फॉलो करना होगा, जिसमें कि पहला रूल है कि आपको एक करंट फोटो लेना है और आपको इस करंट फोटो के जस्ट 10 साल के फोटो को लेना है यदि आपके पास है तो आप उस फोटो को ले लीजिए। उसके बाद दोनों फोटो को आप फोटोशॉप के द्वारा या किसी के द्वारा मर्ज कर दीजिए, एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए इसके नीचे में 2009 और इसके यहाँ लिख दीजिए 2000, बगल में जो आपका जो अभी करंट का फोटो है आप वहाँ लिख दीजिए 2019। तो और अब जब इसे मर्ज कर देते हैं और आप जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैशटैग 10 ईयर चैलेंज को लगा के आप जब इसे पब्लिश कर देते हैं तो आप बेसिकली इस हैशटैग 10 ईयर चैलेंज में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, तो आप भी भागीदारी ले लेते हैं हैशटैग 10 ईयर चैलेंज में। तो सबसे पहले ये हैशटैग 10 ईयर चैलेंज फेसबुक से शुरू हुआ था, जो कि अभी आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा। आप यदि बात करें छोटे से छोटे या बड़े से बड़े एक्टर्स का, तो वो सभी अभी हैशटैग 10 ईयर चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमारे गुरुजी, टेक्निकल गुरुजी ने भी हैशटैग 10 ईयर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक फोटो को अपलोड किया था इंस्टाग्राम में। अब हम बेसिकली जानते हैं कि हैशटैग 10 ईयर चैलेंज आखिरकार स्टार्ट ही क्यों हुआ। जैसे कि पहले आपको किकी चैलेंज या मोमो चैलेंज, ये बहुत प्रकार के चैलेंज जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। जैसे कि किकी चैलेंज में आपको क्या करना था कि आपको गाड़ी के साथ डांस करते हुए चलना था और आपको एक गाना गाना था, किकी डू यू लव मी, ये गाना गाना था। उसके बाद आपको मोमो चैलेंज जो कि व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था, जिसमें कि एक भयानक दिखने वाली महिला थी, कुछ इसी टाइप का मोमो चैलेंज था। और इसी तरह अभी जो चैलेंज वायरल हुआ है इसका नाम है 10 ईयर चैलेंज, जिसमें मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो ये बेसिकली स्टार्ट ही क्यों किया गया, तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक से स्टार्ट हुआ है और ये फेसबुक अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि फेसबुक एक एआई रोबोट पे काम कर रही है, जो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट देखने को मिलेगा। उस रोबोट की खासियत यह होगी कि जब आप एक ही आदमी के फोटो को, जो कि 2 साल पहले का है और अभी करंट में उस फोटो के यदि उसके सामने रख दीजिएगा, तो वो उसे पहचान लेगा कि यह एक ही सिंगल आदमी का फोटो है। यदि उसके चेहरे में कुछ चेंजेस भी आ गए हैं तो तब भी वो पहचान लेगा कि यह उसी आदमी का फोटो है। तो AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट होगा, उसका बेसिकली यही काम है। तो उसी को फेसबुक इम्प्रूव करने में लगा है, और तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फेसबुक को चाहिए एक बड़ी ट्रैफिक, जिससे कि वो रिसर्च कर पाए। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने सबसे पहले हैशटैग 10 ईयर चैलेंज का प्रारंभ किया था, जिसमें कि लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी हस्ती ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसके बाद लोग धड़ल्ले से इसमें पार्टिसिपेट करने लगे और मार्क जुकरबर्ग बॉस को एक बड़ा ट्रैफिक मिल गया, जिससे कि वो इस पिक्चर को, जैसे कि आप समझिए इसको ऐसे, यदि कोई रोबोट है तो उसको भी पहले सिखाया जाता है कि आप कैसे किस टाइप में काम करेंगे। तो यदि मेरे पास 10 लाख फोटो है जो कि अब दिखाया जा रहा है कि ये 2009 का है और ये 2019 का है, तो अब क्या करेगा कि अब रोबोट को ये सिखाया जाए कि तुम इस 2009 के फोटो को देखो और ये 2019 का फोटो है, तुम उसको देखो, उसके बाद तुम इसमें देखो कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो यदि हम एक फोटो को देते हैं तो एक फोटो में उतने चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, यदि हम 1 लाख फोटो को सबको दिखाते हैं और उस आर्टिफिशियल रोबोट को हम उसके सामने फोटो को लाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक कॉमन सोल्यूशन जरूर निकालेगा। यदि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को इम्प्रूव कर दिया जाए तो वो आसानी से एक व्यक्ति के अलग अलग एज के फोटो को पहचान सकता है कि यह इसी व्यक्ति का फोटो है। तो फेसबुक बेसिकली इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इसीलिए वो हैशटैग 10 ईयर चैलेंज को क्रिएट किया, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके, ताकि वो अपने AI रोबोट को और इम्प्रूव कर सके। जैसे कि अभी जितने भी कैमरे आते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस, तो उसमें आपको AI कैमरा देखने को मिलता है। तो उस AI कैमरा का बेसिकली यूज ही है, जैसे कि आप उस कैमरा के सामने यदि आप एप्पल को ला कर रख दें तो वो उसे पहचान लेगा कि ये एप्पल, और बगल में आपको शो करेगा कि ये एप्पल है। यदि आप उसके सामने पेन ला के खड़ा कर देते हैं तो वो आपको ये पहचान लेगा कि ये पेन है। तो बेसिकली
बेसिकली एआई कैमरा या एआई रोबोट का यही काम होता है, आर्टिफिशियल, जिसे क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट कहते हैं। तो इसी सभी कारण से हैशटैग 10yearschallenge क्रिएट हुआ और इससे फायदे भी हो रहे हैं। नुकसान की बात करें तो नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि वो आपके फोटो को ले रहा है तो आपके फोटो को चाहे वो हैशटैग 10yearschallenge से ले, तो आप जैसे कोई फोटो पब्लिश करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो वहां से भी वो ले सकता है। तो नुकसान की बात करें तो नुकसान की बात कुछ भी नहीं है। तो आप इसे एज ए फन यूज करें, और यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करें। तो हमने इस वीडियो में हैशटैग 10yearschallenge के बारे में ओवरऑल सारी जानकारियां ले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप सिर्फ उस रीजन को कमेंट बॉक्स में लिखें और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड को उसके बारे में पता चले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्निकल पीयूष के साथ। ओके बाय।